हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गुनुलू, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल कॉन्ट्रैक्टर मेकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 45-45 डिग्री का एक 90 डिग्री और एक ऑफसेट आटे टाइम कैसे मेजरमेंट करके ट्रे में मार्किंग करेंगे और ग्राउंड लेवल से कैसे मेजरमेंट लेके आएंगे वो समझाने वाले हैं। ये व्हाइट बोर्ड में देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन केबल ट्रे है, यहाँ पर एक बीम है, यहाँ पर डीपी है। ओके, ये बीम बीच में आ जाता है तो ये सिचुएशन में हम कैसा टाइप का बेड बना के आपको दिखाएंगे या आप क्या करेंगे उसके बारे में मैं पूरा समझाने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक के। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपको ग्राउंड लेवल से मेजरमेंट लेके आने जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपके हिसाब से हमने सोचा है इस प्रकार का हम लेके आएंगे, तो इसी प्रकार का एक ड्रॉइंग बना लिया। तो आप भी उसी प्रकार का एक ड्रॉइंग बना लीजिए, उसके बाद मेजरमेंट लेने जाइए। ओके, जो कि आपको करेक्टली एक्यूरेट मेजरमेंट जैसे लेके आ पाओगे। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं अभी देख सकते हैं, हमको यहीं से इसका जो मेजरमेंट लेके आना है तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें एक प्लॉम डाल दिया क्योंकि ये ऊंचाई में है। ओके, ये डाउन में है तो मैं यहां से प्लॉम डालता हूं। ओके, ये प्लॉम डालने का बाद आपको इसका मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट कितना लेना है तो आप कुछ भी ले सकते हैं आपके हिसाब से, मतलब आपका जगह के हिसाब से आपका मेजरमेंट निकलेगा। हम इधर मान लीजिए मेरा यहाँ पर 500 निकलता है। ओके, 500 mm निकलता है तो ये मेजरमेंट हम ले लिया एक बेड के लिए ओनली। ओके, यहां से यहां से यहां का मेजरमेंट होता है 500। अगर आपका ये कंक्रीट वाला है या ट्रे के पीछे साइड आपको स्लॉटेड चैनल डालना है तो उसको माइनस करेंगे। ओके, तो ये 500 से हम स्लॉटेड चैनल के लिए निकाल देते हैं 20 mm। ओके, 20 है 15 mm, थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं 20 mm माइनस कर देता हूं तो ये कितना हो जाता है 480 mm। ओके, हमको यहां पर लेना है 480 mm क्योंकि यहां पर एक स्लॉटेड चैनल है। ओके, यहां पर एक स्लॉटेड चैनल है, ये 500 निकला लेकिन हमको 480 mm लेना है क्योंकि स्लॉटेड चैनल निकालना है। और आगे भी आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहां पर तो आप नॉट बोल्ट तो कैसे करेंगे, इसलिए आगे को आपके हिसाब से 50 mm या 100 mm आपके हिसाब से बढ़ाइए, वो भी एक मेजरमेंट है। अभी बात आता है ये बीम कितना है, तो बीम में हम ले लिया 100 mm एंगल्स, 100 mm। फिर ये वाल से आपको फिर 20 mm या 15 mm छोड़ना है जो कि वही सेम स्लॉटेड चैनल के लिए। ओके, माइनस किया था कितना होता है 80 mm, तो हमको लेना है यहां पर 80 mm। देख सकते हैं यहां पर मैं लिया 80 mm। ओके, ये 480 mm बेल्ट के लिए और ऑफसेट के लिए हमको 80 mm ए वाला निकल गया वाइट जो कितना लेंथ में हमारा होगा। अभी बात आता है हमको हाइट मेजरमेंट करना है, तो हाइट मेजरमेंट करेंगे हम किस चीज के लिए, ये बेल्ट के लिए हमको
ये ऑफसाइड वाला पेंट के लिए हमको हाइट का मेजरमेंट जरूरी है, और ऑफसाइड कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा। ओके तो ये बात आता है, हम क्या किया एक नीचे देख सकते हैं, इधर मैं बना देता हूँ, ये फ्लोर पकड़ लीजिए, हमको ये ट्रे का नीचे से ये फ्लोर कितना मेजरमेंट करना है। आप चाहे तो रोप से भी लेके आ सकते हैं, रोप से भी, आपका कौन सा जगह सेम है बराबर है इसके साथ, ये ट्रे डीपी के साथ वहीं से लेके आइए। ओके ये 3000 mm है, ओके 3 मीटर का है, तो डीपी हमको कितना होता है वो भी चेक कर लेना चाहिए। डीपी इनके सब 1500 है, 1500, ओके ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर से ये 3 मीटर से ये 1.5 मीटर माइनस करना है हमको, तो हमारा डीपी का हाइट लेवल मिल जाता है। तो ये 1500 हमको माइनस करना है, माइनस करेगा तो कितना 7500 बचता है। तो हमारा ट्रे का बॉटम से डीपी का टॉप, ओके ये हो गया हमको 1500, ओके ये दोनों मिल जाने का बाद हो, अब बारी आता है इसको फिर मेजरमेंट करना है, ये बीम से ये कितना है, क्योंकि इसी के अंदर ऑफसाइड रहेगा फिर स्ट्रेट रहेगा। तो हम ये तो मिल गया है, इसका लेबल हम इधर उठा देते हैं, मेजरमेंट 1500, ओके 1500 ये हो गया। अब हमको इसका मेजरमेंट भी निकालना है यहीं तक, ओके यहां से यहां निकालना है, क्योंकि हम एक ही साइड से बना बना के जाएंगे, तो ये फास्ट वाला हमको जो ये वाला है मैं बता देता हूं, इधर हमारे ट्रे बेंड हो जाने के बाद हमको पहले ये वाला लेवल मेजरमेंट करना है, क्योंकि उसके बाद आप ऑफसाइड का फॉर्मूला निकालने के बाद आगे को जाएंगे, लेकिन पहले ये हमको कितना है वो मेजरमेंट करना है। तो हमको अभी बीम से ये डीपी का मेजरमेंट करना है, तो ये भी कितना हम कर लेते हैं थोड़ा 800, उसके बाद क्या करना है ये ऑफसाइड कितना है एमएम का हमको करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा बीम इधर है, ओके ये बीम है, ये वाला जो बीम, ये बीम इधर है, तो हमको वही हिसाब से मेजरमेंट लेना है जो कि ये कॉर्नर जैसे बीम से थोड़ा नीचे रहना चाहिए। ओके ये जो बेंड ये इधर, ये बीम यहीं से ऊपर होना चाहिए, ओके हम उधर तक लेके आना चाहिए, लेके आने के बाद हमको बेंडर का करना है, जो कि यहां पर देख सकते हैं मैं बना देता हूं थोड़ा। तो इस प्रकार का लेके आएंगे तो देख सकते हैं ये बीम है, उसके नीचे हम कुछ 30 mm लेके आया, लेके आने के बाद बेंड किया, तो यहां पर 800 है, हमको 800 से ये 30 mm माइनस करना है, तो ये कॉर्नर मिल जाएगा हमको। ओके यहां पर 30 mm माइनस हुआ तो ये बचा कितना, और 800 से 30 mm जाएगा तो 770 बचा। ओके ये बचा 770, ओके 770 से अभी आपको ये स्ट्रेट कितना लेना है,
वो आप ही आपके जगह के ऊपर डिपेंड करता है, ये कितना है वही हिसाब से आप देख के बनाइएगा। तो हमको अभी ये वाला पोजीशन ये वाला से कितना लेना है, तो हम इधर से इनके यहाँ पर 500 रख देते हैं, बाकी 270 ऊपर को लेते हैं। ये होता है 500, ये होता है 270। ओके इधर मैं कर देता हूँ, ये जो है वही है वो, लेकिन समझ में थोड़ा गलत हो सकता है। यहाँ पर ये 270 है, तो बाकी बचा हमको 500। यहीं से ये 500 बचा। अगर आपको डीबी में पूरा टच नहीं करना है, थोड़ा छोटा रखना है, ये 500 से फिर आपको ये माइनस करना पड़ेगा 50 mm या 20 mm 30 mm, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसी में समझा देता हूँ। ओके हमको अभी मिल गया 80 mm बाई 270 mm, हाइट होता है 270 mm, हमारा ऐसा वाइड होता है ऑफसाइड का 80 mm, उसका फॉर्मूला आगे निकालेंगे, और ये 45-45 का जो 90 degree है इसका भी फॉर्मूला निकालेंगे हम। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 270 ये 500, ये साइड को मैं उठा देता हूँ क्योंकि ये साइड में थोड़ा कचरा हो गया है ना। 500 270 mm, ये देख सकते हैं ये और ये वाला। ओके मिला के हो गया, और बाकी 1500 से ये 770 mm माइनस करेंगे हम। ओके 1500 से 770 माइनस करेंगे, 1500 770 माइनस करना है, माइनस करना है तो 0 को 0, ये हो गया 10, 3 ये हो गया 4, 14, 7। ओके तो ये हो गया हमारा 730। ओके तो इसको हम तो अभी बेल्ट बनाने का बारी आता है, तो बेल्ट कैसे एक स्ट्रेप वाला पीस में हम बनाएंगे वो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स हमारा इसका पीछे साइड से 480 mm होता है, क्योंकि 500 था, हम स्लॉटेड चैनल के लिए 20 mm माइनस किया, तो ये 480 से हमको ये वाला ट्रे माइनस करना है, उसके बाद ये बैंड आपको कितना है वो माइनस करना है। तो हम ये बैंड के लिए एक 100 mm माइनस करते हैं। ओके 100 mm माइनस करते हैं, तो ये ट्रे या आपका रेशियो या ट्रंकिंग कुछ भी, ये कितना चौड़ा वाला है वो माइनस करना है। ओके तो हम पकड़ लीजिए ये ट्रे को लिया है 50 mm, तो ये 50 + 100 150 माइनस करना है 480 से, तो 480 से 480 80 कितना 150 माइनस करना है, 150 माइनस करेगा तो ये 30, ये बच गया 330। ओके 330 के बाद आपका पहला मार्किंग होगा। ओके
तो देखिए यहाँ पर मैं एक मार्किंग कर लेता हूँ, ये हो गया 330 mm। तो पहला मार्किंग में बी ए साइड को नीचे साइड को है, तो हम नीचे साइड को बी को कर लेते हैं। तो ये हो गया 41 mm। उसको हाफ करिए, देखिए फ्रेंड्स अगर आप भीतर साइड से बी कटिंग कर दें तो 41 mm हो जाता है, अगर आप सेंटर में डालते हैं तो 40 mm कीजिए। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। 41 mm के बाद हम जो ऐसा 100 mm लिया है उसके लिए 144 mm आपको लेना है, 144 mm लेना है। ओके, कोई भी बेंड अगर आपको ऐसा बनाते हैं 100 mm है तो ये भी 100 mm होगा। ओके, 100 mm ये भी होगा। तो इसके लिए कितना लेना पड़ेगा हमको, 144 लेगा ना, वो 45 घूमने का टाइम वो 100 mm हो जाएगा। ओके, ये कर लेने का बाद तो अभी ये देख सकते हैं, ये इसको भी सेंटर कर दीजिए, सेंटर करके इसे अभी कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये गया एक नंबर 1, ये गया 2 नंबर 2। अभी इधर 41 mm लेने का बाद कि ये जो मार्किंग से आपको यहाँ पर कितना होगा देख सकते हैं, यहाँ पर 1500 से 770 जाएगा, तो 1500 से 730 बचते हैं, तो ये हो गया था 730। ओके, ये जो यहाँ से ये बेंड का स्टार्टिंग, ओके स्टार्टिंग होता है 730 mm। ओके, 730, लेकिन ये कॉर्नर से हमको मेजरमेंट लेना है अभी यहीं तक। ओके, ये कॉर्नर से कितना होगा, ये भी 100 mm माइनस करना है हमको, ऐसा जब 100 mm है तो ऐसा भी 100 mm होगा, ये ध्यान में रखें। ओके, ये 100 mm माइनस करने का बाद 730 से 100 mm माइनस करेगा तो ये 630 होता है। तो 630 हम क्या करेंगे, पहला बेंड के लिए ले लेंगे। ओके, 630 लेने के बाद ये ऑफसेट का फॉर्मूला आपको निकालना है। अगर आपको ऑफसेट मालूम नहीं है तो आप मेरा चैनल में विजिट करके ऑफसेट भी सीख सकते हैं। ऑफसाइड हम इधर ऐसे ही निकाल देते हैं, कैसे निकालते हैं ये भी बता देते हैं। तो हमको ऑफसाइड कितना बड़ा चाहिए था, अभी 270 mm बाई 80 mm। ओके, तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, इधर कितना लेना है हमको, 270 ये 270 और ये लेना है 80। 80 लेने के बाद आपको क्या करना, ऐसे कोई भी कर्नर आप पकड़ सकते हैं, जब स्क्वायर करेंगे, जब ऐसे एल शेप में करेंगे आपको एक कर्नर पकड़ेंगे। ओके, तो ऐसा लेने के बाद हमको ऐसा मार्किंग लगा देना है। ओके, मार्किंग लगाने के बाद आपको क्या करना है, कौन सा कर्नर लेना है कटिंग के लिए, आपको छोटा वाला जो है, क्योंकि इधर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग होगा तो ये बन जाएगा बैंड का, तो ये छोटा वाला को लेना है। छोटा वाला कितना लेना है, यही कॉर्नर से यहाँ पर 50 mm, सेम वही कॉर्नर से यहाँ पर 50 mm, बाद में यहां से यहाँ का मेजरमेंट लेना है हमको। ओके, ये जितना आता है
वो यहीं पर डालना है, 50 mm वो लेने के बाद ये इनके साथ है 70 mm या 30 mm कुछ भी पकड़ लीजिए। मैं 50 के लिए 45 डिग्री हो जाएगा तो 25 mm लेता हूँ। ओके ये 25 mm लेना है, 25 mm के बाद अभी क्या करना, ए वाला मेजरमेंट करना है, तो इसको उल्टा कर देता है यहाँ भी सेंटर। ये ध्यान रखना, देखिए ये 45 45 सब ये नीचे साइड को जाएगा, नीचे साइड को जाने के बाद ये उल्टा होगा। ओके ये ए साइड कटिंग होगा, ये साइड में ये सेंटर है, ये 25 mm में जाने के बाद अभी यहां से इसका सेंटर कितना है देख सकते हैं इधर, ये लास्ट से मतलब ए साइड वाला प्लेट से आपको इसका सेंटर लेना है क्योंकि कटिंग ये साइड पर है ना, तो आपको क्या करना है यहाँ से ये मेजरमेंट लेना है। कहाँ मिलेगा आपको, यहीं पर मिलेगा आपको, यहीं पर कितना मिलता है 270, ये 80 mm है तो 280 के आसपास हो जाएगा, तो ये पकड़ लीजिए मैं के बाद सेम वही 25 mm ये 280 यहां पर लेना है, 280 mm लेने के बाद फिर क्या करना है, ये जो 25 mm का भी कटिंग ये उल्टा साइड भी कर देना है। ओके ये उल्टा साइड कर देना है और आपको फोल्ड कर देना है, बाकी यहीं से ये कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपका फाइनल तो मिल गया है इधर 1500 करके आप कट कर दीजिए। ऐसा करके आपको पूरा डबल बेंड प्लस ये अपसाइड को एट ए टाइम एक ही ट्रे में मेजरमेंट के साथ कटिंग कर सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स भले ही ये थोड़ा क्रिटिकल हो लेकिन आप एक बार करने जाओगे तो धीरे धीरे करके हो जाएगा। मैं भी जब मेजरमेंट लेने जाता था पहले पहले मेरा भी दिमाग खराब होता था, धीरे धीरे करके मेरा भी सॉल्व हो गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया होगा आपने और आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, अगर आपका मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। बस आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहते हम। नमस्कार।